सभी सुधी जनों को नमस्कार। आज 2 अक्टूबर के दिन सेवाग्रामे इस शीर्षक से लिखी हुई अपनी कविता प्रस्तुत कर रहा हूं। सेवाग्रामे अर्थात सेवाग्राम में, यह कविता मंदाक्रांता छंद में लिखी गई है। मंदाक्रांता छंद संस्कृत में करुणा के भाव की अभिव्यक्ति के लिए उपयुक्त माना जाता है। मूल कविता के साथ हिंदी अनुवाद भी प्रस्तुत करूंगा, वह उस छंद में नहीं है, उसमें वह छंद नहीं आ सका। सेवाग्रामे, इस कविता में कुछ पर्यटक सेवाग्राम में जाते हैं, उनको कोई बूढ़ा गाइड सेवाग्राम दिखाता है। इस प्रसंग का वर्णन किया गया है, उसके माध्यम से अतीत को यहाँ साकार किया गया है, सेवाग्राम के साथ जो अतीत जुड़ा हुआ है, जिसकी अब केवल स्मृतियां हैं और उन्हें भी धीरे धीरे समाप्त किया जा रहा है। पश्यन्त्वार्या अवहितदृशा त्वस्ति बापोः कुटीयं द्रोणी सैषा प्रतिदिनमसौ स्नाति यस्यां महात्मा कामं नेयं मसृणमसृणा नापि शुभ्राच्छवर्णा देशे स्वीये कठिनकठिना निर्मिता चाय सा वै। पश्यन्त्वार्या अवहितदृशा पूज्य बापोः कुटीयं। ध्यान से देखें आप लोग, बापू की यह कुटिया इधर रही। पश्यन्त्वार्या अवहितदृशा त्वस्ति बापोः कुटीयं द्रोणी सैषा प्रतिदिनमसौ स्नाति यस्यां महात्मा। महात्मा जी इसमें नहाते थे प्रतिदिन, वह टब है यही। कामम नेयम मसृण मसृणा नापि शुभ्राच्छ वर्णा, यह चिकना चमकीला और शुभ्र नहीं है, बस लोहे का ढांचा है। कामम नेयम मसृण मसृणा नापि शुभ्राच्छ वर्णा देशे स्वीये कठिन कठिना निर्मिता चाय सा वै। यह चिकना चमकीला और शुभ्र नहीं है, बस लोहे का ढांचा है, पर मजबूत बहुत है, देश में अपने ही बना हुआ है। पश्यन्त्वार्या अवहितदृशा त्वस्ति बापोः कुटीयं द्रोणी सैषा प्रतिदिनमसौ स्नाति यस्यां महात्मा कामं नेयं मसृण मसृणा नापि शुभ्राच्छ वर्णा देशे स्वीये कठिन कठिना निर्मिता चाय सा वै। ध्यान से देखें आप लोग, बापू की कुटिया यह इधर रही। महात्मा जी इसमें नहाते थे प्रतिदिन, वह टब है यही। यह चिकना चमकीला और शुभ्र नहीं है, बस लोहे का ढांचा है, पर मजबूत बहुत है, देश में अपने ही बना हुआ है। यह पहला छंद हुआ। दूसरा छंद है, द्रोणी मन्याम परम रुचिराम चाथ वैदेशिकीं ताम सोत्साहं याम समुपहृतवान श्रेष्ठी वर्यो बजाज अस्या कार्यम किमिह यदि नो निर्मितेयम स्वदेशे रुष्टो बापुस्त्वलमिति परावर्तयामास ताम सह। द्रोणी मन्याम परम रुचिराम चाथ वैदेशिकीं ताम। एक और टप था जिसको विदेश से मंगवाकर सोत्साहम याम समुपहृतवान श्रेष्ठी वर्यो बजाज, सेठ बजाज ने बापू को भेंट किया उत्साहित होकर। अस्याह कार्यम किमिह यदिनो निर्मितेयम स्वदेशे, यह तो अपने देश में नहीं बना, इससे करना क्या। रुष्टो बापू स्त्वलमिति परावर्तयामास ताम सह, चिड़कर बोले थे बापू और वह टब लौटा दिया। द्रोणी मन्याम परम रुचिराम चाथ वैदेशिकीं ताम सोत्साहं याम समुपहृतवान श्रेष्ठी वर्यो बजाज अस्याह कार्यम किमिह यदि नो निर्मितेयम स्वदेशे रुष्टो बापुस्त्वलमिति परावर्तयामास ताम सह। एक और टप था जिसको विदेश से मंगवा कर सेठ बजाज ने बापू को भेंट किया उत्साहित होकर। यह तो अपने देश में नहीं बना, इससे करना क्या, चिड़कर बोले थे बापू और वह टब लौटा दिया। तीसरा छंद है, एतस्मिन् वै
परिणतवया सकुटीरे न्यवात्सीत् कोणे चास्मिन् भवति शयिता हन्त कस्तूरवासा तत्रैवेषा समयभिहिता दृश्यतां च स्थली वै सूर्यस्नानं स इह ससुखं यत्र वापुश्चकार एतस्मिन् वै परिणतवया सकुटीरे न्यवात्सीत् ढलती उम्र में इस कुटिया में कुछ समय रहे थे बापू कोणे चास्मिन् भवति शयिता हन्त कस्तूरवासा उधर उस कोने में कस्तूरबा सोती थी इधर बापू तत्रैवेषा समय भेता दृश्यताम च स्थली वै उधर देखिए वह रही समय की अब मारी जगह वहां सूर्य स्नानम सह ससुखम यत्र बापुश्चकार सुख से बैठे बापू किया करते थे सूर्य स्नान जहां एतस्मिन् वै परिणतवया स कुटीरे निवासी कोणे चास्मिन् भवति शयिता हन्त कस्तूरवासा तत्रैवेषा समय विहिता दृश्यतां च स्थली वै सूर्यस्नानं सह्य ससुखं यत्र बापुश्चकार ढलती उम्र में इस कुटिया में कुछ समय रहे थे बापू उधर उस कोने में कस्तूरबा सोती थी इधर बापू उधर देखिए वह रही समय की अब मारी जगह वहां सुख से बैठे बापू किया करते थे सूर्यस्नान जहां। चौथा छंद पढ़ता हूं। रुग्णा माता त्वभवद्दिहसा रुग्णा माता त्वभवद्दिहबाश्चैकदा साश्रमेऽस्मिन् अस्या सेवा महमिह पुनः केवलं वै करिष्ये इत्युक्त्वान्यान् स्वयमपि जनान् आश्रमस्थान् निवार्य शय्यालग्नामवहितमनास्तां महात्मा सिषेवे। रुग्णा माता त्वभवद्दिहबाश्चैकदा साश्रमेऽस्मिन् इसी आश्रम में माता कस्तूरबा हुई बीमार एक बार। अस्या सेवा महमिह पुनः केवलं वै करिष्ये बापू बोले इनकी सेवा का केवल मैं ही बस लूंगा भार। इत्युक्त्वान्यान् स्वयमपि जनान् आश्रम स्थान निवार्य आश्रम के बाकी लोगों को मना करके बरबस शय्या लग्नाम अभित मनास्ताम महात्मा सिषेवे बिस्तर से लगी बाकी सेवा मन से वे ही करते बस। रुग्णा माता त्व दिह बाश्चैकदा साश्रमेऽस्मिन् अस्या सेवा महमिह पुनः केवलं वै करिष्ये इत्युक्त्वान्यान् स्वयमपि जनान् आश्रमस्थान् निवार्य शय्या लग्नाम अभितमनास्तां महात्मा सिषेवे। इसी आश्रम में माता कस्तूरबा हुई बीमार एक बार। बापू बोले इनकी सेवा का केवल मैं ही बस लूंगा भार। आश्रम के बाकी लोगों को मना करके बरबस बिस्तर से लगी बाकी सेवा मन से वे ही करते बस। पांचवा छंद है। अस्माद्वारा दित इह बहिर्याति गांधीर महात्मा विष्ठा पात्रम वहति च करे मूत्र पात्रम स्म मातुः पूजा भावो अभवद अनुपमस्तस्य चास्ये तदानि मात्र सेवा प्रचित कुसुमैर दिव्य गंध ससार। अस्माद् द्वारा दित इह बहिर्याति गांधीर महात्मा इसी द्वार से गांधी महात्मा निकला करते थे बाहर। विष्ठा पात्रम वहति च करे मूत्र पात्रम स्म मातुः हाथों में अपने बाके मल और मूत्र के पात्र उठाकर अस्माद् द्वारा दित इह बहिर्याति गांधीर महात्मा विष्ठा पात्रम वहति च करे मूत्र पात्रम स्म मातु इसी द्वार से गांधी महात्मा निकला करते थे बाहर हाथों में अपने बाके मल और मूत्र के पात्र उठाकर पूजा भावो अभवद अनुपमस्तस्य चास्ये तदानीं एक अनुपम पूजा भाव रहा करता था उनके मुख पर। अत्र सेवा प्रचित कुसुमैर दिव्य गंध ससार फैलती गंध दिव्य सेवा के फूल यहाँ खिलते फिर। अस्माद् द्वारा दित इह बहिर्याति गांधीर महात्मा विष्ठा पात्रम वहति च करे मूत्र पात्रम स्म मातुः पूजा भावो अभवद अनुपमस्तस्य चास्ये तदानीं अत्र सेवा प्रचित कुसुमैर दिव्य गंध ससार इसी द्वार से गांधी महात्मा निकला करते थे बाहर हाथों में अपने बाके मल और मूत्र के पात्र उठाकर एक अनुपम पूजा भाव रहा करता था उनके मुख पर फैलती दिव्य गंध सेवा के फूल यहाँ खिलते फिर। छठा छंद है। 14 छंद है कुल। छठा छंद है। अत्रैवासौ
निवसति पुनः पंडितः संस्कृतज्ञः यस्माद् बापू क्वचिदपि पुरा देववाणीं पपाठ कालेनायं गलिततनुकः पीडितः कुष्ठरोगात् सेवाग्रामं तमथ करुणश्चानिनायाथ बापूः अत्रैवासौ निवसति पुनः पंडितः संस्कृतज्ञः उधर उस कुटिया में रहते थे परचुरे शास्त्री पंडित यस्माद् बापू क्वचिदपि पुरा देववाणीं पपाठ पहले बापू कभी उन्हीं से पढ़ा किए थे संस्कृत काले नायम गलित तनुकः पीडितः कुष्ठरोगात् समय की बात है कोढ़ से उनके अंग गलने को आए सेवा ग्रामम तमथ करुणश्चा निनायाथ बापू तब करुणामय बापू उनको सेवाग्राम लेकर आए अत्रैवासो निवसति पुनः पंडितः संस्कृतज्ञः यस्माद् बापुः क्वचिदपि पुरा देववाणीं पपाठ काले नायं गलित तनुकः पीडितः कुष्ठरोगात् सेवाग्रामं तमथ करुणश्चा निनायाथ बापू उधर उस कुटिया में रहते थे परचुरे शास्त्री पंडित पहले बापू कभी उन्हीं से पढ़ा किए थे संस्कृत समय की बात है कोढ़ से उनके अंग गलने को आए तब करुणामय बापू उनको सेवाग्राम लेकर आए। सातवां छंद है। कोष्ठे तस्य प्रतिदिनमसौ याति निष्ठाव्रतेन पूज्यं मत्वा सच परचुरे शास्त्रीवर्यं सिषेवे पूतिर्गात्रात् क्षरति किलतां मार्जयामास बापू लिंपन मर्म व्रणमपि मनः काययोरस्य लेपैः। कोष्ठे तस्य प्रतिदिनमसौ याति निष्ठाव्रतेन सेवा का निष्ठाव्रत धारे वे प्रतिदिन उनकी कुटिया में जाते पूज्यम मत्वा सच परचुरे शास्त्रीवर्यम शिषेवे पूज्य मानकर परचुरे शास्त्री की सेवा करते नहलाते पूतिर्गात्रात् क्षरति किलताम मार्जयामास बापू शास्त्री जी के शरीर से पीप बहता बापू साफ जिसे करते हरदम लिंपन मर्म व्रणमपि मनः काययोरस्य लेपैः उनके घावों पर भी और मन पर भी उनके घावों पर भी और मन पर भी और लगाते मरहम। कोष्ठे तस्य प्रतिदिनमसौ याति निष्ठाव्रतेन पूज्यं मत्वा सच परचुरे शास्त्रीवर्यं शिषेवे पूतिर्गात्रात् क्षरति किलतां मार्जयामास बापू लिंपन मर्म व्रणमपि मनः काययोरस्य लेपैः। सेवा का निष्ठाव्रत धारे वे प्रतिदिन उनकी कुटिया में जाते पूज्य मानकर परचुरे शास्त्री की सेवा करते नहलाते शास्त्री जी के शरीर से पीप बहता बापू साफ जिसे करते हरदम उनके घावों पर भी और मन पर भी और लगाते मरहम। आठवां छंद है। अत्रैवासौ मिलित इहतम चापि गफ्फार खानः टुकड़ो जीर्वा निवसदिह सन् सन्निधौ बापुनोपि नित्यं प्रातस्त्वभवदिहसा प्रार्थना भक्ति गीतै सूत्रं चात्र प्रतिदिवसमहो कर्त्यते चस्म चक्रै। अत्रैवासौ मिलित इहतम चापि गफ्फार खानः यही खान अब्दुल गफ्फार खां का बापू से मिलन हुआ। टुकड़ो जीर्वा निवसदिहसन सन्निधौ बापुनोपि यही संत टुकड़ो जी का बापू के संगवास रहा। संत टुकड़ो जी महाराज 20वीं शताब्दी के प्रसिद्ध संत हैं। गांधी जी से बहुत प्रेरित रहे। श्रीधर भास्कर वर्णेकर जी ने उनका संस्कृत में एक खंड काव्य में चरित लिखा है। अत्रैवासौ मिलित इहतम चापि गफ्फार खानः टुकड़ो जीर्वा निवसदिह सन् सन्निधौ बापुनोपि यही खान अब्दुल गफ्फार खां का बापू से मिलन हुआ। यही संत टुकड़ो जी का भी बापू के संगवास रहा। नित्यम प्रातस्तभ दिहसा प्रार्थना भक्ति गीतई इधर नित्य नियम से प्रार्थना और भजन होते सूत्रम चात्र प्रतिदिवस महो कर्त्यते चस्म चक्रई। चक्र शब्द का प्रयोग चरखे के अर्थ में किया है। 100 साल पहले पंडित रामाचार्य गलगली ने चक्र लहरी काव्य संस्कृत में लिखा था। 5 लहरी काव्य उन्होंने
स्वराज्य लहरी, चक्र लहरी, बहिष्कार लहरी, कारागार लहरी, स्वदेशी लहरी, पांच लहरी काव्य उन्होंने संस्कृत में अद्भुत लहरी काव्य लिखे। बड़े पंडित अपने समय के, बड़े महाकवि। गांधी जी मुग्ध हुए थे, गांधी टोपी लहरी ये काव्य था, उसको सुनकर के गांधी जी मुग्ध हुए थे संस्कृत में। उन्होंने चक्र लहरी लिखी, चक्र शब्द का प्रयोग चरखे के अर्थ में उन्होंने कदाचित पहली बार उन्होंने किया। 100 साल हो गए तब से, क्षमा राव हों या अन्य कवि हों, चक्र शब्द का प्रयोग समकालीन संस्कृत कविता में चरखे के अर्थ में भी होता है। सूत्रम चात्र प्रतिदिवस महो कर्त्यते चस्म चक्रैः, यही कताई होती नित्य प्रति चरखे चलते होते। अत्रैवासौ मिलति हतम चापि गफ्फार खान, टुकड़ो जीर्वा न्यवसदिह सन सन्निधौ बापुनोपि। सन टुकड़ो जी, संस्कृत में तो सत शब्द है संत के लिए। अत्रैवासौ मिलति हतम चापि गफ्फार खान, टुकड़ो जीर्वा न्यवसदिह सत सन्निधौ बापुनोपि। नित्यं प्रातस्तभ दिहसा प्रार्थना भक्ति गीतै, सूत्रं चात्र प्रतिदिवस महो, सूत्रं चात्र प्रतिदिवस महो कर्त्यते चस्म चक्रै। यही खान अब्दुल गफ्फार खां का बापू से मिलन हुआ, यही संत टुकड़ो जी का भी बापू के संग वास रहा। इधर नित्य नियम से प्रार्थना और भजन होते, इधर कताई होती नित्य प्रति चरखे चलते होते। नवा छंद पढ़ रहा, अश्वत्थोयम् यह विततो दृश्यते सुप्रसारः, हस्तेनासौ स्वयमिह मुदा रोपितो बापुनैव। अस्यैवायं लसति तुलसी पादपस्नेहसाक्षी, तस्य स्पर्शात् किसलयततिर्यस्य वै मोमुदीति। अश्वत्थोयम् यह विततो दृश्यते सुप्रसारः, यह जो पीपल का ऊंचा पेड़ उस ओर खड़ा है। हस्ते नासौ स्वयमिह मुदा रोपितो बापु नैव, मुदित मन से बापू ने इसको अपने हाथों से रोपा है। अस्यैवायं लसति तुलसी पादपः स्नेह साक्षी, इधर रही उनके स्नेह में नहा चुकी यह तुलसी। तस्य स्पर्शात् किसलय ततिर यस्य वै मोमुदीति, उनके छूने से जो हो जाती थी उलसी उलसी। अश्वत्थोयम् यह विततो दृश्यते सुप्रसारः, हस्ते नासौ स्वयमिह मुदा रोपितो बापु नैव। अस्यैवायं लसति तुलसी पादपः स्नेह साक्षी, तस्य स्पर्शात् किसलय ततिर्यस्य वै मोमुदीति। यह जो पीपल का ऊंचा पेड़ उस ओर खड़ा है, मुदित मन से बापू ने इसको अपने हाथों से रोपा है। इधर रही उनके स्नेह में नहा चुकी यह तुलसी, इस उनके छूने से जो हो जाती थी उलसी उलसी। दसवां छंद है। स्थाने चास्मिन् क्वचिदिह तथा ध्यानमग्नः स्थितोऽसौ, सर्पः कश्चित् सरति निकटे गांधिनोऽङ्कं रुरोह। दंशात् कामं म्रिय इहनुवा न क्षति स्यादमुष्य, इत्युक्त्वासौ स्थित इह गतो यावदेशो न सर्पः। स्थाने चास्मिन् क्वचिदिह तथा ध्यानमग्नः स्थितोऽसौ, इधर इसी जगह पर बापू बैठे थे ध्यान लगाकर। सर्पः कश्चित् सरति निकटे गांधिनोऽङ्कं रुरोह, सर्प रेंगता हुआ आ गया गोद में उनकी सर्राकर। दंशात् कामं म्रिय इहनुवा न क्षति स्यादमुष्य, इसे न कुछ हो भले यह मुझे काटे मैं मर जाऊं, बोले बापू। इत्युक्त्वासौ स्थित इह गतो यावदेशो न सर्पः, जब तक वह चला नहीं गया बैठे रहे यहीं पर बापू, ऐसा वो बूढ़े गाइड बताते थे। इतिहास में प्रमाण तो नहीं, शायद है, लेकिन स्मृतियों में 10 साल पहले तक ये यादें थी या कुछ और पहले तक। स्थाने चास्मिन् क्वचिदिह तथा ध्यानमग्नः स्थितोऽसौ, सर्पः कश्चित् सरति निकटे गांधिनोऽङ्कं रुरोह। दंशात् कामं म्रिय इहनुवा न क्षति स्यादमुष्य,
इत्युक्त्वासौ स्थित इह गतो याव देशो न सर्पः। इधर इसी जगह पर बापू बैठे थे ध्यान लगाकर, सर्प रेंगता हुआ आ गया गोद में उनकी सर्रा कर। इसे न कुछ हो भले मुझे यह काटे मैं मर जाऊं, बोले बापू जब तक वह चला नहीं गया बैठे रहे यहीं पर बापू। 11वां छंद है। इत्येवं च प्रतिदिनमसा उत्सुकेभ्यो जनेभ्यः कश्चिद् वृद्धो गदति करुणा पूरितामयां कथां सा सेवा ग्रामे भ्रमति नियतं व्याकुलं चांतरंतः चक्रं वैस्यात् विमलमतिना चालितं बापु नैव बापुनेव। इत्येवं च प्रतिदिनमसौ उत्सुकेभ्यो जनेभ्यः। कोई बूढ़े सज्जन हैं जो उत्सुक पर्यटकों को बताते हैं, कश्चित् वृद्धो गदति करुणा पूरिताम याम कथाम सा, यह सारी जो करुणामय गाथा वे जो हर यह सारी करुणामय गाथा वे जो हर रोज सुनाते हैं। सेवा ग्रामे भ्रमति नियतम व्याकुलम चांतरंतः। वह आकुल घूमती है यहाँ सेवाग्राम के भीतर ऐसे। चक्रम वैस्याद विमल मतिना चालितम बापू ने वह। विमल मन से निर्मल मन से चला दिया हो बापू ने चरखा जैसे। इत्येवं च प्रतिदिनमसौ उत्सुकेभ्यो जनेभ्यः कश्चिद् वृद्धो गदति करुणा पूरिताम याम कथाम सा सेवाग्रामे भ्रमति नियतम व्याकुलम चांतरंतः चक्रम वैस्यात विमल मतिना चालितम बापू नेव। कोई बूढ़े सज्जन हैं जो उत्सुक पर्यटकों को बताते हैं, यह सारी जो करुणामय गाथा वे हर रोज सुनाते हैं। वह आकुल घूमती है यहाँ सेवा ग्राम के भीतर ऐसे। निर्मल मन से चला दिया हो बापू ने चरखा जैसे। 12वां छंद है। यावत् देशो मम हि दयितः प्राप्नुयान्न स्वराज्यम् तावन्नाहम् स्थलमिदमहो आगमिष्यामि भूयः सावरमत्या सखलु गत्वा अनाश्रमा देवमुक्त्वा सेवाग्रामं न खलु सपुनश्चाश्रमं तं समेतः। यावत् देशो मम हि दयितः प्राप्नुयान्न स्वराज्यम्। यहाँ लौटकर मैं आऊंगा केवल तब, मेरे प्रिय देश को स्वराज्य मिल जाएगा जब। यावत् देशो मम हि दयितः प्राप्नुयान्न स्वराज्यम् तावन्नाहम् स्थलमिदमहो आगमिष्यामि भूयः। अहो में जो ओकार आता है उसके बाद स्वर आने पर भी संधि नहीं होती। इसका उदाहरण पंडित राज जगन्नाथ ने दिया है, अहो अमी इंदुमुखी विलासा, अमी के बाद भी संधि नहीं होगी। अहो अमी इंदुमुखी विलासा। यावत् देशो मम हि दयितः प्राप्नुयान्न स्वराज्यम् तावन्नाहम् स्थलमिदमहो आगमिष्यामि भूयः। मेरे यहाँ लौटकर मैं फिर आऊँगा केवल तब, मेरे प्रिय देश को स्वराज्य मिल जाएगा जब। साबरमत्या सखलु गत्वा नाश्रमा देव मुक्त्वा साबरमती आश्रम से यह कहकर तब चले गए जो बापू। सेवा ग्रामम न खलु सपुनश्चाश्रमम तम समेतः। फिर न आए सेवा ग्राम न उस आश्रम में लौटे बापू। यावत् देशो मम हि दयितः प्राप्नुयान्न स्वराज्यम तावन्नाहम् स्थलमिदमहो आगमिष्यामि भूयः साबरमत्या सखलु गत्वा नाश्रमा देव मुक्त्वा सेवा ग्रामम न खलु सपुनश्चाश्रमम तम समेतः। यहाँ लौटकर मैं फिर आऊँगा केवल तब, मेरे प्रिय देश को स्वराज्य मिल जाएगा जब। साबरमती आश्रम से यह कहकर तब चले गए जो बापू। फिर न आए सेवा ग्राम न उस आश्रम में लौटे बापू। 1947 के पहले आखिरी बार जब वो रहे यहाँ तब वो ये कहकर के गए थे। यह तो रिकॉर्डेड है कि अब आज़ादी स्वराज्य जब मिल जाएगा भारत को तब लौट कर आऊँगा, और चूंकि सच्चा स्वराज मिला नहीं तो वे लौट कर नहीं आए। 13वां छंद।
सौंदर्याणां समुदय इव ब्राजमान सजीव आचाराणां निधिरपि तथा जीवनेभ्यस्यमान आसीद्योऽसौ गतिलयमय स्पंदित प्राणिति स्म संसारोऽसौ विकल विकल प्रेतभूरद्य जातः सौंदर्याणां समुदय इव ब्राजमान सजीव सौंदर्य का समुदाय जो था सजीव उजास से भरा भरा आचाराणां निधिरपि तथा जीवने भ्यस्यमान जीवन में आचरण की निधि बनकर जो समरा समरा आसीद्योऽसौ गति लय मय स्पंदित प्राणिति स्म जो था जो होता था गति लय मय स्पंदित एक सजीव संसार संसारोऽसौ विकल विकल प्रेत भूरद्य जाता विकल अब वह बनकर रह गया है प्रेत भूमि का आकार सौंदर्याणां समुदय इव भ्राजमान सजीव आचाराणां निधिरपि तथा जीवनेभ्यस्यमान आसीद्योऽसौ गति लय मय स्पंदित प्राणिति स्म संसारोऽसौ विकल विकल प्रेत भूरद्य जाता सौंदर्य का समुदाय जो था सजीव उजास से भरा भरा जीवन में आचरण की निधि बनकर जो समरा समरा जो होता था गति लय मय स्पंदित एक सजीव संसार विकल अब वह बनकर रह गया है प्रेत भूमि का आकार। अंतिम 14वां छंद है। क्षीण क्षीण कथमपि परम रक्षितः संविधानै रागन्तूनां कुतुककृतये चांकितं दर्शनार्थं सेवाग्रामस्तमसि वितते यः समर्थो बभूव दीपप्रख्यो भवितुमपि सद् दीपतुल्योऽद्य जातः। क्षीण क्षीण कथमपि परम रक्षितः संविधानै छीजता हुआ सेवाग्राम प्रयास करके बचा कर रखा हुआ आगंतूनां कुतुक करते चांकितम दर्शनार्थम आगंतुक दर्शनेच्छु जनों के कौतुक हित जैसे अंका हुआ सेवा ग्रामस तमसि वितते यह समर्थो बभूव जो घोर अंधेरे में जला करता था बनकर कोई दीप सेवा ग्रामस तमसि वितते यह समर्थो बभूव दीप प्रख्यो भवितुमपि सद् दीप तुल्योद्य जातः जो घोर अंधेरे में जला करता था बनकर कोई दीप दीप बन गया है अब अपने में एकाकी वह एक द्वीप। क्षीण क्षीण कथमपि परम रक्षितः संविधानै रागन्तूनां कुतुक कृतये चांकितं दर्शनार्थं सेवा ग्रामस्तमसि वितते यः समर्थो बभूव दीप प्रख्यो भवितुमपि सद्वीप तुल्योद्य जातः। छीजता हुआ सेवाग्राम प्रयास करके बचाकर रखा हुआ आगंतुक दर्शनेच्छु जनों के कौतुक हित जैसे अंका हुआ जो घोर अंधेरे में जला करता था बनकर कोई दीप बनकर बन गया है अब अपने में एकाकी वह एक दीप द्वीप। धन्यवाद।